आईपीएल जो एक तरफ मैच के शौकीनों के लिए मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है, वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्र इसका गलत इस्तेमाल करके अपने महंगे शौक और जल्द अमीर बनने के लिए लोगों को ऑनलाइन सट्टा खिलाते पकड़े गए हैं, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पंडितवाड़ी क्षेत्र में सद्भावना कुंज के पास एक मकान में कॉलेज के कुछ छात्र आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर में दबिश दी, जहां 5 अभियुक्तों को ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए पकड़ा गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इनमें से 2 UIT प्रेमनगर तथा 2 JBIT सहसपुरा के छात्र हैं, जिनके पास से 7 मोबाइल फोन, 14 ATM कार्ड सहित 23,000 रुपये कैश बरामद किया गया है। वहीं घर की तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 70 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई है, जो कि हरियाणा व चंडीगढ़ बार का है। पुलिस ने बताया ये सभी अपने महंगे शौकों को पूरा करने के लिए आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिलाते थे और हरियाणा व चंडीगढ़ से सस्ते दामों में शराब लाकर कॉलेज के छात्रों को बेचते थे। कल हमारे को सूचना मिली थी कि जो कोतवाली कैंट क्षेत्र में एक कॉलोनी में कुछ लोग जो है आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगवाते हैं। इस सूचना पे हमारे जो सीओ ऑफिस के नेतृत्व में कोतवाली कैंट की और एसओजी की टीम द्वारा जो है वहां पर रेड की गई, तो उनके पास वहां पर हमें 5 अभियुक्त मिले, जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन आईपीएल में सट्टा लगवाया जा रहा था, जिनके पास से लगभग 7 मोबाइल और 14 ATM रजिस्टर और साथ ही 23,000 रुपये कैश मिला। इसके अतिरिक्त जो बैंकों में जो ट्रांजैक्शन की जा रही थी उसके संबंध में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। साथ ही वहां पर से करीब 70 बॉटल्स जो है अंग्रेजी शराब भी मिली, जो कि इनके द्वारा कॉलेज के बच्चों को ही जो है बेची जाती थी। इसमें खास बात यह है कि जो 5 अभियुक्त हैं ये सभी स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो प्रेमनगर में वहाँ पर पढ़ते हैं। इनके संबंध में जो रिपोर्ट है इनके संबंधित इंस्टीट्यूट्स को भी भेजी गई है, जिनके जिनके जिनसे जो है उनके सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।